नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती बर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। आज मैं आपको आसान तरीके से पालक कैसे उगाई जाती है वो मैं बताऊंगी। ये देखिए ये पालक के बीज है। ये मैंने रात को कप पानी में गला के रख दिया था और सुबह कपड़े में बांध के इसको ऐसे पोटली बना के रख दिया था। ये दिन भर में इसमें इस ये देखिए कैसा स्प्राउट निकल गई है इसकी। ये देखिए, ये आपको दिख रही होगी, स्प्राउट निकल गई। ये देखिए, ये इससे क्या जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। और दोस्तों, ये खोका पड़ा था, ये मेरी बेटी केक लेके आई थी, तो मैंने इसमें चारों तरफ से टेपिंग कर दी और यहाँ से भी टेप कर दिया और ये यहाँ से अंदर से ये छेद कर दिए ताकि पानी यहाँ से निकले, बेल ड्रेन रहे मिट्टी। ये देखिए दोस्तों, ये सॉइल मैंने बनाई हूँ। ये देखिए, एक भाग मिट्टी ली हूँ, एक भाग गोबर खाद और एक भाग रिवर सैंड रेत। ये मिट्टी अपन इसमें डाल देंगे, कम से कम आधा खोखा ले लेंगे। दोस्तों, अगर अपन मार्केट से पालक लेके आते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, क्योंकि वो तरह तरह के केमिकल डाल के और पालक करते हैं, और ये होममेड है, घर में बिना केमिकल के ऑर्गेनिक खाद डाल के बनाते हैं। ये देखिए, ये बीजों को थोड़ा थोड़ा ये फैला के डाल दीजिए चारों तरफ से। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से सॉइल डाल देंगे, या तो फिर मेरे पास थोड़ी सी कोकोपीट पड़ी है, मैं थोड़ी कोकोपीट डाल देती हूँ ताकि जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी डालना चाहिए बस। ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे, थोड़ा सा ही कर देते हैं। एक बार अच्छे से दे देंगे ताकि नीचे तक के पानी बाहर आ जाए। ये देखिए, अब मैं आपको मेथी बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने 20 दिन पहले ग्रो किए थे, कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं और कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और इसे और बड़े होंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में, मैं बताऊंगी कि कितने बड़े हो गए हैं। और मैं आपको मेथी भी बताती हूँ। ये देखिए, ये पंखे का खोखा पड़ा था, उसको भी मैंने यहाँ से छेद कर लिए और दो भाग कर लिए। ये देखिए, यहाँ से टेपिंग कर दी हूँ और अंदर से ये छेद कर दिए मैंने। ये देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इन्हें चार पांच छेद कर दिए। इसमें भी वही कोटिंग में डाल देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से बराबर पूरे सॉइल को ऐसे कर दे और थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए, मैंने मेथी भी रात में गला दिया था और सुबह से इस कपड़े में गीली की गीली मैंने इसमें पोटली बना के रख दी थी। इसमें भी देखिए कितने सारे स्प्राउट निकल गए। ये देखिए, आपको दिख रही होगी, ये इसको इसमें थोड़ा थोड़ा फैला दीजिए हल्के हाथ से। ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आसान है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है।
बस थोड़ी थोड़ी पतली लेयर इसमें, ये देखिए इसमें भी इसे थोड़ी थोड़ी फैला दीजिए, इसमें थोड़ी ज़्यादा फैल गई है। ये घर की, घर में मेथी जो उगती है उसकी बात ही अलग है, उसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है कि क्या बताऊं मैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके ऊपर ये थोड़ी सी मेरे पास कोकोपीट पड़ी है, थोड़ी सी कोकोपीट थोड़ा थोड़ा ऊपर फैला देंगे, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करना है, पतला पतला सा, क्योंकि ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मोटी लेयर कर देंगे तो फिर ये इसमें से स्प्राउट नहीं निकलेगी। बहुत ही आसान है ये करना। देखिए पतली पतली मिट्टी इसी के ऊपर लेयर कर दे और इसमें अब पानी डाल देंगे। बस पतला थोड़ा थोड़ा ये पानी डाल देंगे और ये अभी वैसे ही तो स्प्राउट निकल चुकी हैं, दो चार दिन में, एक हफ्ते में तो पूरी मेथी उग जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।